Hey everybody, welcome back to Khan's Kitchens with Z. I hope आप सब बहुत मजे में होंगे. आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही delicious और colorful rainbow chicken skewers. और जिसके साथ हम बनाएंगे एक बहुत ही delicious chimichurri sauce in Indian style. आप इसे as a side भी serve कर सकते हैं और skewers के ऊपर drizzle करके भी serve कर सकते हैं. तो chimichurri sauce की recipe जानने के लिए video को end तक जरूर देखें. तो आइए शुरू करते हैं cooking process. अगर आप मेरे channel पे नए हैं, वेलकम, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक बोल में है 5 tablespoons ऑफ ऑलिव ऑयल. इसके अंदर मैं डाल दूंगी 3 cloves ऑफ गार्लिक क्रश्ड और साथ ही चला जाएगा 1 teaspoon ऑफ लेमन जूस. इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी कुछ ड्राई मसाले, जिसमें मेरे पास है 1/4 teaspoon ऑफ ऑरिगेनो. अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं. 1/2 teaspoon ऑफ हल्दी पाउडर, 1 teaspoon ऑफ जीरा पाउडर, 1 teaspoon ऑफ चाट मसाला, 1 teaspoon ऑफ रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon ऑफ गरम मसाला, 1 teaspoon ऑफ चिली फ्लेक्स, 1 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर, सॉल्ट टू टेस्ट और शुगर. ये सब मसाले मैं इसमें डाल दूंगी. इसको हम दे देंगे एक अच्छा सा मिक्स. इसमें मैं एक और चीज डालूंगी जो कि है मेरे पास यहाँ पर इटालियन हर्ब्स. तो ये जस्ट ऐसे अंदाजे से अराउंड 1/4 teaspoon, ठीक है. गिव इट अ गुड मिक्स जब तक इसकी शुगर अच्छे से डिजोल्व ना हो जाए. यहाँ पर मेरे पास है बोनलेस चिकन, जिसको मैंने ऐसे छोटे छोटे चंक्स में काट रखा है. ये एक चिकन ब्रेस्ट है, ठीक है. तो अब मैं क्या करूंगी कि 1/2 of the marinade मैं इसके अंदर डाल दूंगी चिकन में और 1/2 of the marinade मैं सेव कर लूंगी. अब हम दे देंगे इसे एक बहुत अच्छा सा मिक्स. आप चाहे तो ये प्रोसेस आप ziploc बैग में भी कर सकते हैं. अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी फॉर 30 minutes ऑन द काउंटर. ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पे अब बचे हुए मैरिनेट में हम डाल देते हैं हमारी वेजीज, जिसमें मेरे पास है कुछ येलो, ऑरेंज, रेड और ग्रीन पेपर्स और साथ में चले जाएगा अनियंस डाइस्ड. ऑलराइट, अब मैंने एक ले लिया है बिगर बोल. इसमें मैं ट्रांसफर कर दूंगी मेरा चिकन. चिकन को मैरिनेट होते हुए हो चुके हैं 30 मिनट्स. इसमें चले जाएंगे सारे वेजीज विद द रेस्ट ऑफ द मैरिनेट. अब मैं दे दूंगी इनको एक अच्छा सा मिक्स. वेजीज को हमें ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं करना है, क्योंकि फिर वेजीज नमक और नींबू के साथ मिलकर अपना वाटर रिलीज कर देंगी. इसलिए अब हम इनको डाल लेते हैं स्क्यूअर्स में. आपको स्क्यूअर्स को ओवरनाइट पानी में सोक करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये ग्रिल होते हुए जल जाती है. यहाँ पर मैंने डाला अनियन, फिर डाला ग्रीन पेपर, चिकन का पीस, फिर से एक अनियन, ऑरेंज पेपर, चिकन का पीस, अनियन, रेड पेपर, चिकन, फिर से अनियन, येलो पेपर और चिकन. और ये तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रोटी. ऑलराइट फ्रेंड्स, ये रेडी है हमारे स्क्यूअर्स और आइए चलते हैं इनको ग्रिल करने के प्रोसेस पे. ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रख दिया है हमारा ग्रिल पैन और मैंने डाल दिया है 2 tablespoons ऑफ ऑयल और आइए चलिए रखते हैं हमारे स्क्यूअर्स. आप मेक श्योर करिएगा कि ये पैन जो है ये अच्छे से हीटअप होना चाहिए. अगर आप ऐसे ऊपर हाथ रखें तो आपको हीट फील होनी चाहिए, ठीक है. उठाते जाएंगे, रखते जाएंगे आराम से. ओवरक्राउड नहीं करना है हमें पैन को, जितने आए उतने ही रखना है. हमें इनको स्टीम नहीं करना है, ग्रिल करना है, तो डोंट ओवरक्राउड द पैन. और जब तक हमारा जो मैरिनेट बचा हुआ है वो आप इस चाहें तो इसके ऊपर ड्रिजल कर सकते हैं. 2 से 3 मिनट हम एक साइड कुक करेंगे और फिर इनको फ्लिप करेंगे. और राइट फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आ गया है इन पे. अब मैं तीसरे को आपके सामने फ्लिप कर देती हूँ. इस पे कलर नहीं आया है तो वी विल पुट इट बैक. इसको भी कर देते हैं चेक और इसको कर देते हैं फ्लिप. इसी तरह से आपको फ्लिप कर करके चारों तरफ से करना है ग्रिल, जब तक कि इससे अच्छे से कलर ना आ जाए. यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये प्रोसेस आप अपने पैन में भी कर सकते हैं, तवे पे भी कर सकते हैं और ग्रिल पे भी कर सकते हैं. इसके लिए ग्रिल पैन होना कोई ज़रूरी नहीं है. ऑलराइट फ्रेंड्स, मैंने इसको आगे पीछे से कलर आ गया, मैंने इसको साइडवेज रखा है, ठीक है. तो ऐसे आपको घुमा घुमा के इनको कुक करना है जब तक कि ये पूरे कम्प्लीटली डन ना हो जाए. तो
ओके फ्रेंड्स, ये वाला पूरा अच्छे से हो चुका है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अच्छे से कलर आ चुका है। इसको मैं निकाल कर रख लूँगी एक साइड में। लेट्स टेक द अदर वन। ये देखिए, इसको थोड़ी देर और लगेगी। मैं आपको बता दूँ कि मेरी फ्लेम मीडियम हाई पे है, हाई और मीडियम के बीच में रखनी है आपको फ्लेम। ब्याकी के स्क्यूअर्स लगाने से पहले मैं ड्रिजल दे दूँगी तेल का, और फिर हम लगाएंगे बाकी के स्क्यूअर्स। बाकी के स्क्यूअर्स भी ग्रिल होने के बाद हम इनको करेंगे सर्व, और तब तक हम बना लेते हैं चिमिचुरी सॉस। हम बना लेते हैं एक चिमिचुरी सॉस इंडियन स्टाइल, जिसमें मैंने ले लिया है हैंडफुल ऑफ अनियंस, थोड़ी सी हरी मिर्च, दो चार पुदीने के पत्ते एंड हैंडफुल ऑफ सिलेंट्रो। आपको ये फूड प्रोसेसर में पल्स करना है 4 to 5 times। हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, और मिलती हूँ पल्स करने के बाद। यहाँ पर मैंने प्याज, पुदीना, धनिया और हरी मिर्च को क्रश कर दिया है। इसमें चला जाएगा चुटकी भर ऑफ ब्लैक पेपर, साथ में चला जाएगा चुटकी भर सॉल्ट, और डाल दूंगी मैं 1 tablespoon ऑफ ऑलिव ऑयल। इसके साथ ही इसमें चला जाएगा 1 teaspoon ऑफ लेमन जूस। इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे, और अब ये तैयार है हमारे स्क्यूअर्स पे ड्रिजल करने के लिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस चिकन एंड पेपर स्क्यूअर्स। और मेरे पास जो वेजीज बच गई थी मैरिनेट में, उनको मैंने रोस्ट करके यहाँ पर सजा दिया है एज अ साइड। और अब हमारे पास जो चिमिचुरी सॉस हमने बनाई थी, वो हम ड्रिजल कर देंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, चिमिचुरी सॉस हमने डाल दिया है, और ये बहुत ही टेस्टी और फुल ऑफ फ्लेवर है। दे आर जस्ट लाइक अ फ्लेवरफुल बॉम्ब, और बच्चों को बहुत ही खासकर पसंद आते हैं, क्योंकि इतने कलरफुल हैं और बच्चे स्क्यूअर्स लेके मजे से एंजॉय करते हैं। तो प्लीज जरूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, और दुआओं में याद रखिए। और मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, इससे आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलेगी सबसे पहले, वो भी फ्री।